खैबर के मैदान पर अल्लाह के शेर हजरत अली ने अपनी तलवार जुल्फिकार के एक ही वार से मरहब के दो टुकड़े कर दिए। दोस्तों, हजरत अली की बहादुरी और ताकत के बारे में कौन नहीं जानता। दुनिया का हर एक इंसान खैबर की उस जंग से अच्छी तरह वाकिफ है कि जिसमें इस्लामी तारीख के सबसे ताकतवर योद्धा हजरत अली ने दरे खैबर को उखाड़कर कई मीटर की दूरी पर फेंक दिया था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस जंग में हजरत अली ने मरहब को कैसे मारा? इस वीडियो में हम आपको ये डिटेल में बताएंगे कि कैसे हजरत इमाम अली ने उस दौर के सबसे ताकतवर जंगजू माने जाने वाले मरहब का मुकाबला किया। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि जब अली इब्न अबी तालिब और मरहब आमने सामने आए तो उन दोनों के बीच क्या गुफ्तगू हुई। इस जंग में सबसे पहला हमला किसने किया और मरहब इस जंग में कौन से हथियार लेकर आया था। दोस्तों, हजरत अली और मरहब के बीच हुई इस जंग को समझने के लिए हमें तारीख में उसी दौर में जाना होगा कि जब ये जंग हुई थी, जब 39 दिनों तक लगातार कोशिशों के बावजूद भी मुसलमानों को खैबर का किला फतेह करने में कामयाबी न मिली तो 40वें दिन अल्लाह के नबी ने इस्लाम का परचम हजरत अली के हाथों में दिया। तारीख में मिलता है, अलम लेकर हजरत अली खैबर के किले के सामने पहुंचे। उस वक्त आपके साथ 6 सिपाही और भी थे। मरहब का भाई हारिस हजरत अली को खैबर के किले की तरफ बढ़ता देख गुस्से के आलम में किले से नीचे उतरा और अपनी फौज को ये कहने लगा कि तुम रुको, मैं इससे मुकाबला करता हूँ। कहते हैं हारिस भी अपने भाई मरहब की तरह बेहद ताकतवर और शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन वो अल्लाह के शेर हजरत अली के सामने कुछ देर भी नहीं टिक पाया और आपने उसे वासीले जहन्नुम कर दिया। तारीख में मिलता है, जब मरहब को उसके भाई हारिस की मौत का पता चला तो वो यकीन नहीं कर पा रहा था। वो सोच में पड़ गया कि हारिस जैसा उसका बेहद ताकतवर और शक्तिशाली भाई कि जिसके सामने अरब के बड़े बड़े जंगजू अपनी तलवारों को फेंक दिया करते थे, उसे एक शख्स ने सिर्फ एक ही वार में कत्ल कर दिया। इसके बाद मरहब ने अपने सिपाहियों से पूछा कि वो कौन है कि जिसने मेरे भाई हारिस को कत्ल किया है, जिसके जवाब में उसके सिपाहियों ने कहा कि वो शख्स अली इब्न अबी तालिब है। बस इतना सुनना था, मरहब ने अपना जंगी लिबास पहना और गुस्से के आलम में ये कहने लगा कि रूहे ज़मीन से मैं इनकी नस्लों को ख़त्म कर दूंगा। तारीख में मिलता है, जैसे ही खैबर का दरवाज़ा खुला तो मरहब के साथ लगभग 200 सिपाही भी किले से बाहर निकले। मरहब के हाथों में 2 तलवारें और साथ में एक कुल्हाड़ी थी। जैसे ही मरहब और हजरत अली आमने सामने आए तो मरहब के सिपाही जो खैबर के किले के ऊपर खड़े थे वो खुशी से मरहब के नाम के नारे लगाने लगे। इसके बाद मरहब हजरत अली के करीब पहुंचता है और गुरूर और तकब्बुर भरी आवाज में ये पूछता है, तो वो तुम हो कि जिसने मेरे भाई हारिस को कत्ल किया है? इसके जवाब में हजरत अली ने फरमाया, मैंने तो उसको अमान दी थी, लेकिन वो खुद ही मुझसे जंग के लिए बेकरार था। मैंने उससे कहा था कि बेवजह मुसलमानों के खिलाफ साजिशें ना करो और अल्लाह के दीन इस्लाम पर ईमान ले आओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम हमारे भाई हो और यही बात मैं तुमसे भी कहता हूँ। लेकिन दोस्तों, हजरत अली की ये बात सुनकर मरहब नहीं माना और अपनी ताकत के नशे में चूर मरहब वहाँ खड़े मजमे के सामने ये कहने लगा, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं मुसलमान हो जाऊँ? याद रखो, मैं मुसलमानों के खून का प्यासा हूँ, मैं मुसलमान कैसे हो सकता हूँ? ये सुनकर हजरत अली ने मरहब से फरमाया कि खुदा का वो रास्ता जो हजरत आदम से लेकर हजरत नूह और हजरत मूसा ने हमें दिखाया, वो अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो जाता है। इसके जवाब में मरहब ने कहा कि ये सब बातें छोड़ो, अगर हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो। सारा खैबर मुझे जानता है, मैं मरहब हूँ, मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है, वो मरहब की जिससे मौत भी खौफ खाती हो। मैं लोहे से बहुत मोहब्बत रखता हूँ, जवान हूँ, जंगजू हूँ, अगर तुम में हिम्मत है तो अपनी तलवार नियाम से बाहर निकालो और मुझसे मुकाबला करो। बस इतना सुनना था, हजरत अली ने फरमाया, मेरा नाम हैदर है। तारीख में मिलता है, जैसे ही मरहब ने हैदर नाम सुना उसके चेहरे का रंग उतर गया और वो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसकी माँ जो किले की सबसे बड़ी नजूमी थी उसने कहा था कि मरहब, तुझे हराने वाला पूरी सरजमीन अरब पर कोई नहीं, तू किसी से भी लड़ना, किसी से भी जंग करना, लेकिन हैदर नाम के शख्स से न टकराना। अब मरहब पूरी तरह ये समझ चुका था कि ये वही हैदर है जिसके बारे में मेरी माँ ने कहा था, लेकिन मरहब बहादुर था इसलिए पीछे नहीं हटा और हजरत अली से जंग के इरादे से आगे बढ़ा। तारीख में मिलता है, मरहब ने एक के बाद एक हजरत अली के ऊपर कुल 3 वार किए, लेकिन हजरत अली ने उन्हें बहुत ही आसानी से नाकाम बना दिया। आपने आखिरी बार मरहब से कहा कि तुम अगर चाहो तो अभी भी इस्लाम अपना कर राह हक पर आ सकते हो। ये सुनकर मरहब गुस्से से लाल हो गया और बोला कि हम कभी भी अपने नबी मूसा का दीन नहीं छोड़ेंगे। इसके जवाब में हजरत अली ने फरमाया कि मूसा जैसे तुम्हारे नबी हैं वैसे ही हमारे भी है। मरहब बोला कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन। लिहाजा मरहब हजरत अली की किसी भी बात पर तवज्जो नहीं दे रहा था और वार पे वार करता जा रहा था। आखिरकार जब मरहब ने हिदायत पाने से पूरी तरह से इनकार कर दिया तो अल्लाह के शेर हजरत अली ने अपनी तलवार जुल्फिकार को नियाम से बाहर निकाला
और एक ही वार में मरहब के दो टुकड़े कर दिए। हजरत इमाम अली की तलवार जुल्फिकार मरहब के लोहे के कवच को चीरते हुए मरहब के जिस्म के बिल्कुल बीचों बीच से निकल गई। लोग हैरत से ये देख रहे थे कि आखिर ये क्या हुआ। बिजली की रफ्तार से तलवार चली और मरहब जैसा था वैसा ही खड़ा रहा। जैसे ही हजरत अली कुछ दूर आगे चले और अपनी तलवार जुल्फिकार को नियाम में रखा तो मरहब का दाया हिस्सा दाई तरफ और बाया हिस्सा बाई तरफ टूट कर बिखर गया। ये देखकर खैबर के किले पर खड़े मुशरिक अपने सर गम से पीटने लगे और मुसलमान खुशी से अल्लाहु अकबर के नारे लगाने लगे। करंट वर्ल्ड टीम ने लॉन्च किया है स्पेशल मेंबरशिप प्रोग्राम, जिसके तहत आप हमें इस ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पर इस्लामिक वर्ल्ड और दीन की बातें सही तथ्यों और डाटा के आधार पर बताना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत टफ टास्क है, जिसके लिए हमारी पूरी टीम दिन रात मेहनत करती है। लेकिन दोस्तों, अभी भी हमें जरूरत है आपके साथ आपके सहयोग की, ताकि हम और मेहनत और जज्बे के साथ कौम की खिदमत कर सके। इसीलिए हमारे इस मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करके हमारी इस मुहिम का हिस्सा बनें।